डॉक्टर सलीम साहब एक बहुत बड़ी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। डॉक्टर सलीम साहब यहाँ तशरीफ लाए हुए हैं, गाची कम्युनिटी के मोहम्मद सलीम साहब अभी तो, और उनके वफ्त को हम खुशामदेद कहते हैं। आप यहाँ पर आइए और आपकी गुफ्तगु चूंकि पहले रह गई थी तो थोड़ा सा टाइम हमारे पास। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातहू। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, नईम साहब की कयादत के अंदर जमात इस्लामी ने आज जो धरना दिया है बिल्कुल यकीनी तौर पे इस बात का हक रखते हैं। 10 दिन से ये मुसलसल बैठे हुए हैं, इनकी हिम्मत को दाद देता हूँ और जो लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं उनकी भी हिम्मत को दाद देता हूँ। मैं पूरी उम्मीद हूँ इंशाल्लाह ताला जब आप यहाँ से उठोगे तो आपके हकूक की आवाज़ पूरी होगी और आपके लिए जो गुजराती वर्ल्ड फेडरेशन की तरफ से जो काम किया जा रहा है वो हकूक की आवाज़ है। हमारी मेमन गुजराती फेडरेशन भी इसी बात की गवाही है कि हर किसी के हकूक पूरे किए जाए। कराची गुजराती में दे दो भाई, माशाल्लाह हमें गुजराती माना चाहिए, हमें पोते गुजराती कौम हमारी 120 जमात गुजराती नीचे 140 जमात गुजराती नीचे तमाम गुजराती जमातों तुम्हारा भेगी है ने तुम्हारा साथे छे ने पूरा हकूक तकरीबन जेवा लेटल लेवाना छे हमें लेने मुकसी इंशाल्लाह गुजराती कौम में पाकिस्तान बनाए छे पूरा का पाकिस्तान का बानी गुजराती जो कायदे आजम था गुजराती ना बदी कम्युनिटी गुजराती छे ने गुजराती मेहमान कम्युनिटी ने तकरीबन बदी कारोबारी कम्युनिटी भी जेटली भी गुजराती छे ये गुजराती कम्युनिटी ने दाद देवी जोई कि पाकिस्तान बनावा गुजराती कम्युनिटी नो साथ छे ने पाकिस्तान ने केर शेर कराची ने आबाद करवामा गुजराती कम्युनिटी नो साथ छे। जेटली गुजराती कम्युनिटी इस्माइली कम्युनिटी बोरी कम्युनिटी आगाखानी कम्युनिटी गाची कम्युनिटी मेमन कम्युनिटी अब तमाम कम्युनिटीज छे ये बधी तमारा साथे छे। मैं नईम साहब ने सलाम पेश करूँ छू, हिम्मत की दाद दऊँ छू ने इंशाअल्लाह तआला ने तमारा साथे छे ने तमारा साथे तमारी जिंदगी ना साथ तमारी जिंदगी छे ने कराची ना हकूक तकरीबन हमें लई लई मुख से इंशाअल्लाह तआला आइंदा गवर्नमेंट अगर कोई भी बन से कराची ना अंदर सीट बन से मेहमान गुजराती कम्युनिटी ना वजीर से तकरीबन बदी कम्युनिटी ना वजीर ने इस्तकबाल कर सी जी मानस भी जमात इस्लामी ना साथ उभरे से हमें ना साथे उभरे से इंशाअल्लाह ताला नईम साहब ना साथ छे मैं पोते भी प्रोफेसर गफूर अहमद साहब ने साथ जिंदगी काटी छे काजी हुसैन अहमद साहब जिंदगी काटी छे तकरीबन मारी जिंदगी जमात इस्लामी ने साथ जिंदगी रही छे। मैं पूरी उम्मीद राखू छू तमारा से भी उम्मीद राखू छू आवी रीते नईम साहब ना साथ कंदा से तंदो मलावी ने तबे आवी रीते तकरीर ना साथ रहता जाओ ना आवी रीते हिम्मत बांधो ने कराची ना तमाम हकूक सिंध ना तमाम हकूक लेवा मत तमे ताकत तो मुजाहरो करो ने कोई दिवस तमे खाली ना जवा दे दा ते अल्लाह नी मेहरबानी थासे इंशाल्लाह अल्लाह ताला तुम्हारी जरूर मदद कर से। फी अमानुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातहु। जदा कर ला गुजराती में शुक्रिया अदा कर हमें बहुत थोड़ाता सही बहुत मेहरबानी तुम्हारी तुम्हें आया आईवा ने हमारा दरमियान पूरा दुनिया में जितना गुजराती भाइयों ने बहनों मौजूद से ने बिहाब ऊपर तुम्हें आया हिमायत को यकीन दिलायो हाफिज नईम साहब ने जमात इस्लामी ने कराची ना हुकूमतों की जद्दोजहद हाल ही रही से हमारा आ जद्दोजहद इंशाल्लाह हंदाई कम्युनिटी आटू से मेमन कम्युनिटी आटू से गुजराती आटू से जितला बोलो वाला आया सिंध ना अंदर मौजूद से पाकिस्तान में मौजूद से अने खास तौर पर कराची में मौजूद से एना हंदाई आटू आ जबरदस्त जद्दोजहद से हुकूक की जद्दोजहद से इंशाल्लाह हाफिज साहब भेगा उभा से અને હાફિઝ સાહેબે મને જિમ્મેદારી દીધી છે કે હું શુક્રિયા અદા કરું જમાત ઇસ્લામીની તરફથી મેં ડોક્ટર સલીમ સાહેબ કો જો કે ગુજરાતી વર્લ્ડ ફેડરેશન કે સદર હે 122 સે જ્યાદા ગુજરાતી કમ્યુનિટીઝ જો પૂરે દુનિયા મેં ફેલી હુઈ હે ઉનકી નુમાઇંદગી કરતે હે ઉનકો યહાં ખુશામદીદ ભી કહેતા હું ઓર આપ સબસે ગુઝારિશ કરતા હું જબરદસ્ત તાલિયાં બજાએ ઇસલિયે કે गुजराती वो कौम है जो जिन्होंने गुजरात से यहाँ सिंध में और खास तौर पर कराची के अंदर हिजरत की और आबाद किया कराची को इसलिए मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और हाफिज साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि आप भी गुजराती कम्युनिटी का घाची बिरादरी का शुक्रिया अदा करें जमात इस्लामी की तरफ से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिरहीम मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ डॉक्टर सलीम साहब का ये सदर है ऑल वर्ल्ड गुजराती फेडरेशन के और इनकी बिहाफ पर जाहिर के
इन्होंने अपने तमाम गुजराती कम्युनिटी जो पूरी दुनिया में मौजूद है और ख़ास तौर पर इस शहर कराची में और जिसमें हमारे बहुत ही अहम शख्सियत साबिर अहमद साहब की भी है, जिनका तारुफ़ आपको ये वाला तारुफ़ शायद पहले हासिल नहीं हुआ होगा कि ये इतने अहम आदमी हैं हमारी गुजराती कम्युनिटी के। और वैसे तो जुनेद मुकाती साहब भी उसी कैटेगरी में आते हैं। तो ये मैं शुक्रगुजार हूँ कि आप तशरीफ़ लाएँ और कराची के हकूक़ की और आवाम के हकूक़ की और सिंध के आवाम के हकूक़ की जिद्दोजहद में आपने हमारा साथ दिया है और हमारी हिमायत की है। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाक अल्लाह।